क्या मुझे सेप्टोप्लास्टी कराना है या क्या मुझे राइनोप्लास्टी कराना है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग दोस्तों। बहुत बार क्या है हमारे दिमाग में चल रहा होता है, मुझे राइनोप्लास्टी की जरूरत है या मुझे सेप्टोप्लास्टी की जरूरत है। बहुत बार दिमाग में ये रहता है कि सर मेरा सेप्टोप्लास्टी से ही नाक की शेप चेंज कर दो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस ये मेरे रोज ओपीडी में पेशेंट्स जो मेरे नोज सर्जरी के आते हैं उनके होते हैं। सो बात करते हैं ये क्लियरिफिकेशन, कब मुझे सेप्टोप्लास्टी की जरूरत है, कब मुझे राइनोप्लास्टी की जरूरत है। दोस्तों बहुत बार क्या है, आपके नाक के बीच में जो हमारा पार्टीशन होता है उस पार्टीशन का डेविएशन है एंड उस पार्टीशन के डेविएशन के कारण यू हैव ए फंक्शनली ब्लॉकेज नोज, तो आपको सेप्टोप्लास्टी की जरूरत है। बट द कंडीशन आपका जो बाहर से नाक का जो लुक है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपका बाहर से कोई एक्सटर्नल फिजिकल डिफॉर्मिटी अपीयर नहीं है, देन यू आर ए 100% कैंडिडेट फॉर द सेप्टोप्लास्टी। नाउ अनदर कैटेगरी दोस्तों, जिसके अंदर आपका नोज का जो अंदर का सेप्टम है वो डेविएटेड है, या कोई जरूरी नहीं कि वो डेविएटेड हो, बट एक्सटर्नली बाहर से जो आपका नाक का जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल नहीं है, हो सकता है उस पर बम्प हो सकता है वो बाहर से टेढ़ा हो सकता है वो फ्लैट हो सकता है वो ट्विस्टेड हो, सो वट एवर यू हैव द प्रॉब्लम, सो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। दोस्तों तीसरी कैटेगरी है, आपका नाक का अंदर का सेप्टम डेविएटेड है, सीवियर आपको नोज से फंक्शनली ब्लॉकेज है, बाहर से भी नाक जो है वह डेविएटेड है, तो दोस्तों आपको सेप्टो प्लस राइनोप्लास्टी दोनों सर्जरी की जरूरत है। सो दोस्तों हमने देखा तीन कैटेगरी, सेप्टोप्लास्टी राइनोप्लास्टी सेप्टो राइनोप्लास्टी। बहुत बार दोस्तों एक फोर्थ कैटेगरी है जिसमें आपका सेप्टोप्लास्टी से भी नाक का जो है सेप ठीक हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स सेप्टल डेविएशन। बहुत बार आपने देखा होगा हम लोग सेल्फी लेते हैं एंड सेल्फी लेते हैं तो हमारे दोनों नोस्टिल अनइक्वल होते हैं। सो इसमें क्या है कि जो हमारा नाक के बीच का जो पार्टीशन हमारा सेप्टम है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड में डेविएटेड होता है। आइडियली हमारा जो ये नाक का जो पार्टीशन होता है कोलुमेला उसके पीछे होना चाहिए, बट ये इधर या इधर होता है। सो हमारे दोनों नोस्टिल जो है वो अनइक्वल आते हैं, जिसको हम कोडल सेप्टम डेविएशन CSD डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो जब CSD डिफॉर्मिटी अगर आपकी है तो दोस्तों इसमें आपको जो है राइनोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, इसमें एक टेक्निक होती है कंप्लीट स्ट्रिपिंग मेथड, जिसमें अंदर उसको सेपरेट करके जस्ट वी मोबिलाइज द एंटायर सेप्टम इसके पीछे। ध्यान रहे कभी भी आपके आगे के कोडल पार्ट ऑफ सेप्टम को एक्सरसाइज नहीं कराना है, उसको अगर आपने एक्सरसाइज करा दिया तो आपका नोज ड्रूपी टिप हो जाएगा एंड थोड़े दिनों बाद में नोज का सपोर्ट लॉस्ट हो जाएगा एंड आपको ब्रीदिंग में और प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये चार चीजें सेप्टोप्लास्टी राइनोप्लास्टी सेप्टोराइनोप्लास्टी एंड CSD करेक्शन। अब आपको बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि यस अगर मेरे को राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है या मेरे को सेप्टोप्लास्टी की जरूरत है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल, यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स कलीग्स, जिससे उनके दिमाग में भी जो चल रही है वो मिथ क्लियर हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए यूजफुल हो। एंड फ्रेंड्स जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।